एक तरफ ना झुकने का मादा है तो दूसरी तरफ डटे रहने का इरादा। इसी जद्दोजहद में आज 40 दिन बीत गए और नतीजा कुछ नहीं निकला। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जो 40 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आज इन्होंने जेल भी बनाया है यहाँ पे, और ये देखिए पूरा डिस्ट्रेशन सेंटर हिरासत केंद्र बनाया है महिलाओं ने, और इसमें CAA को लेकर रिजेक्शन लिखा है, NPR और NRC को लेकर रिजेक्शन लिखा है, और ये पूरा जेल बनाया है, इसमें ये लोग खड़े भी हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ है, इनका उद्देश्य है इस पूरे बैरक को बनाने का। आप लोग इस पूरे बैरक को बनाए हो, क्या यह दिखाना चाहते हो आप? देखिए, दो बातें हैं इस हिरासत की। एक तो ये कि जो ऊपर डिटेंशन सेंटर लिखा हुआ है उसमें ना जाना पड़े, इसके लिए हम जेल भी जाने को तैयार हैं। यही सबसे पहला मकसद है कि जो इन्होंने काले कानून हम लोगों पर लगाने की कोशिश की है, और NPR जो ये बार बार कह रहे हैं कि लागू कर देंगे हम 1 अप्रैल से, उसकी सख्त मजम्मत हो रही है और उसकी मुखालफत हो रही है। ये जेल, ये जो नमूना यहाँ पर बना करके मॉडल रखा है यहाँ की बच्चियों ने, ये तैयबा की मौत का रोष है, आक्रोश है कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर बैठी हुई हमारी बच्ची की, उसके बीच की जान चली गई। शासन प्रशासन ने यह ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर टेंट लग जाए। पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग चल रहे हैं और उन लोगों के ऊपर बेहतरीन इंतजाम है, साउंड का, लाइट का, टेंट का। एक यहाँ पर ही ऐसी कौन सी मुसीबत है कि जो हमें ना लाइट का इंतजाम है, ना टेंट का, और ना अच्छा साउंड लगाने दिया जा रहा है। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। दो दिन पहले यहाँ पर फायरिंग हो गई थी, दो पक्ष आसपास में भिड़ गए थे। कमिश्नर का हालांकि कहना था कि इस पे और जो प्रोटेस्ट चल रहा है इससे और उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सवाल उठता है ना कि सुरक्षा व्यवस्था, आखिर महिलाएं यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में है। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी चूक थी कि यहाँ पर इस तरह से फायरिंग होना। हालांकि उस फायरिंग का मकसद जैसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं बाहर थी MP में, कि यहाँ पर जो दो गुट आपस में बहसबाजी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उनको तितर बितर करने के लिए उन्होंने ये फायर किया था। लेकिन बहरहाल देखिए, फायर फायर होता है, इसको बिल्कुल यहाँ पर इस तरह की कोई वो नहीं होनी चाहिए। और मैं ये बात शुक्रिया अदा करूँगी कमिश्नर साहब की कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया और साफ कर दिया लोगों के बीच में कि इसका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तमाम महिलाएँ हैं जो पिछले 40 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली में बातचीत के लिए बुलावा गया था, इनका एक आस बंधी थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट के भरोसे इनकी लड़ाई है, जंग जारी है, आखिरी आस बची है सुप्रीम कोर्ट। देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल 40 दिनों से लगातार महिलाएँ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं घंटाघर पर।